हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? व्हाट इफ एनालिसिस। क्या है दोस्तों? व्हाट इफ एनालिसिस, जो आपको डेटा टाइप में मिलेगा। ठीक है, ये देखिए डेटा टाइप में यहाँ पे है व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना है, क्या? एक सिनेरियो मैनेजर, एक गोल सीक। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक दोनों का काम एक ही होता है, सेम। बस ये होता है कि सिनेरियो मैनेजर में आप कई सेल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और गोल सीक में सिर्फ एक सेल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंजिंग सेल में फॉर्मूला हमेशा होना चाहिए। जैसे आप देखिए, सिनेरियो मैनेजर इधर है, इसके नीचे हमने लिखा इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। और सेम यही फिगर हमने कहाँ लिखा है? गोल सीक में भी, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। ठीक है, 50,000 इनकम है, 28,000 एक्सपेंस है, तो सेविंग कितनी हो गई? हमने देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया है? B7 - B8। ठीक है, B7 मतलब 50,000 और B8 मतलब 28,000। तो 50,000 - 28,000 22,000। ठीक है, ऐसा ही सेम हमने यहाँ भी किया है। देखिए यहाँ भी फॉर्मूला लगा है, क्या लगा है? L7 - L8। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिनेरियो मैनेजर यहाँ कैसे काम करता है और गोल सीक यहाँ कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, आइए पहले हम कहाँ जाएंगे? डेटा टाइप में, फिर व्हाट इफ एनालिसिस में और सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ऐसे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? सिनेरियो मैनेजर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड में अब इसका कोई नाम देंगे, तो हम लिख देते हैं कि मोर सेविंग, मतलब हमें ज्यादा सेविंग चाहिए, मोर सेविंग। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आपको मोर सेविंग चाहिए तो कौन कौन से सेल आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा के फिर दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया दोनों। या फिर आप क्या करेंगे, एक चीज और कर सकते हैं, आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ। ठीक है, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिए। तो हमने क्या कहा कि हमें कौन कौन सी सेल चेंज करनी है? इनकम की और एक्सपेंस की चेंज करनी है ताकि हमारी सेविंग बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आप इनकम के सेल में कितना करना चाहते हैं और एक्सपेंस में। तो हमने कहा कि इनकम हमारी हो जाए 60,000, ठीक है, और एक्सपेंस हमारा रहे 32,000। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है? शो, अगर आप शो पे क्लिक करेंगे तो ये 50,000 और 28,000 क्या हो जाएगा? 60,000 और 32,000। और अगर आप समरी पे करेंगे तो इसकी एक समरी की शीट बन जाएगी, जिसमें ये भी डेटा आपको दिखेगा और नया वाला भी। हम समरी पे करते हैं, देखिए समरी। अब पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट वाला सेल कौन सा है? तो रिजल्ट वाला सेल हमारा यही है, जो कि है हमारा B9। हमने कहा ओके। देखिए दोस्तों, ये समरी आ गई। ठीक है, समरी में देखिए B7 पहले 50,000 था, अब 60,000 है। हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम लिख देते हैं इनकम। ठीक है, और नीचे क्या था? एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, इनकम और एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो इनकम पहले 50,000 थी, अब कितनी हो? अगर 60,000 हो जाए और हमारी एक्सपेंस क्या हो जाए? 32,000, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 28,000। सेविंग बढ़ गई, और पहले इस समय हमारी इनकम कितनी है? 50,000, और एक्सपेंस कितना है? 28,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या दिखा रहा है? समरी करंट वैल्यू की और आगे की वैल्यू की, कि आगे अगर हमारी इनकम और एक्सपेंस में क्या चेंजेस होंगे, सेविंग क्या हो जाए।
ठीक है दोस्तों, तो चेंजेस आपके सामने हैं समरी के। ठीक है, अब इसको करते हैं बैक। अब हम लोग देखते हैं गोल सीक कैसे काम करता है। सेम टेबल है, ठीक है, आइए हम जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस पे, गोल सीक पे। गोल सीक कह रहा है कि सेट सेल, ठीक है, तो सेल हम सेट कर लेते हैं, कौन सी, सेविंग वाली। ठीक है, अब कह रहा है वैल्यू, आपको कितनी वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा कि हमें तो सेविंग चाहिए 32,000। कितनी चाहिए, 32,000। अब ये पूछ रहा है कि 32,000 चाहिए पर कौन सा सेल चेंज करके। देखिए उसमें भी पूछ रहा था, किसमें, सिनेरियो मैनेजर में, और गोल सीक में भी पूछ रहा है। पर सिनेरियो मैनेजर में क्या था, हम एक साथ कई सेल दे सकते थे, ठीक है, पर गोल सीक में क्या है, हम एक बार में एक ही सेल देंगे। तो हमने कहा कि इनकम बढ़ा दें, इनकम को चेंज करके हम क्या करें, सेविंग अपनी ज्यादा कर लें। हमने कहा ठीक है, ओके। देखिए तो इनकम कितनी होनी चाहिए, 60,000, और एक्सपेंस 28,000, तब सेविंग कितनी हो जाएगी, 32,000 रुपए। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमारी इनकम को अपने से कैलकुलेट किया। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर में हम क्या करते थे दोस्तों, सिनेरियो मैनेजर में हम लिखते थे कि हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए समरी खोलते हैं, इसको ओके करते हैं और समरी ओपन करते हैं। देखिए ये 60,000 और ये 32,000 हमने दिया था, तो क्या आया था हमारा एक्सपेंस, और सेविंग 28,000। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें सेविंग चाहिए 32,000 और चेंज क्या करना है, इनकम। ठीक है, तो उसने कह दिया कि अगर आपका एक्सपेंस सेम रहेगा, मतलब 28,000, तब आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 60,000, क्योंकि सेविंग की वैल्यू हमने दी थी 32,000। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।